जो मुमताज़ सियासी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए उनकी माजी की तारीख को सामने रखते हुए जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली से भरी हुई है, उसके ऊपर आपने एतमाद करके आज मुस्लिम लीग नून नून में शमूलियत का जो ऐलान किया है, मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदेद कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आज आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है तो आज हम सब एक फैमिली का, नून लीग की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अब हम इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में आप सबको साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन की आमद आमद है, उसमें जीत हार सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। इसमें मैं जनाब बशीर मेमन साहब को और उनकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपके साथ राबते किए, आपको मुस्लिम लीग नून में शामिल करने के लिए कायल किया, मेहनत की। मैं उनको तहसीन पेश करना चाहता और उनके साथियों को कि आज एक सुबह सिंध से एक बहुत बड़ी तादाद में आज दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की और चंद जो चेहरे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब असगर शाह साहब और दूसरे यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो नेशनल असम्बली में जब मैं वहाँ था 97 में मेरे साथ थे, तो आज मेरे लिए भी ये बड़ी एक खुशी का दिन है कि सुबह सिंध में मुस्लिम लीग नून दोबारा एक अच्छी ताकतवर जमात बनने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने तावन और अपनी मेहनत से इसमें भरपूर हिस्सा डालेंगे। कुछ लोग अभी बाहर अंदर आ नहीं सके, लेकिन मैं नाम पढ़ देता हूँ और उनका नाम लेकर फिर मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर कराची से अख्तर जदून साहब, कैप्टन जमील अहमद साहब, हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, मेहरान शाह साहब, करीम बख्श गबोल साहब, सरदार असलम सासोली साहब, यूसुफ शाह साहब, सलीम कादरी साहब, सरदार नूरुद्दीन संजरानी साहब, याकूब खाशखेली साहब, इमरान ब्रोही साहब, इंजीनियर हबीब मेमन साहब, हमायूं मुगैरी साहब, ग़ुलाम रसूल उनर साहब, डॉक्टर सतार राजपूर साहब, राजपर साहब, असगर शाह साहब। शाह साहब माशाल्लाह सेहत ठीक ठाक है ना? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी अब आपकी? कितनी कितनी उम्र होगी? उम्र 80+। माशाल्लाह बड़ी सेहत तो अल्लाह के फजल से बहुत ठीक ठाक है माशाल्लाह। ठीक। उसके बाद यासर तालपुर साहब, लगारी साहब, शहजाद जलानी साहब,
अब्दुलरशीद मनफानी साहब, रजाक शजरा साहब, हमीद जदून साहब, सरदार तेगानी साहब, यासर बाबर साहब, ग़ुलाम रसूल उनट साहब, नूर हसन कैसरानी साहब, अली अकबर कलमाती साहब, ये मैंने नाम जो पढ़े हैं इन्होंने अपनी कमाल मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हुए ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे और आपको यकीनन आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे, आपके एतमाद पर पूरी तरह इंशाअल्लाह हम उतरेंगे। और मैं यहाँ पर बाकी साथियों के साथ शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साबक सदर हैं सिंध के, और उनका भी इस पूरे एफर्ट में बड़ा हिस्सा है। मैं उसकी मैं तहसीन करता हूँ। इसके अलावा बात करूँ, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ और चंद बातें करनी हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, उसके बारे में मैं चंद मारूजात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाब्तगियों और धांधलियों के ख़िलाफ़ एक फैक्ट बेस फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और जिस तरह 2018 में के इलेक्शन में आरटीएस ने उन पार्टीज़ का मैंडेट छीना था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको आरटीएस ने रातों रात उसको फैसले को अवाम के फैसले को अवाम के मैंडेट को चोरी किया। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के केपीके सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहाँ पर केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था, मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी के बना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है, ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि यकीनन
जी शऊर अवाम इसका जवाब चाहेंगे। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में जो धांधली हुई और जिस बदतरीन धांधली के ज़रिए पीटीआई को इक्तदार दिलवाया गया, मुस्लिम लीग नून की सुबह पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया और वहाँ पे डब्बों को बदला गया जाली वोट डालकर और जेन्युइन वोट उनके ऊपर क्रॉस लगाकर धांधली के ज़रिए सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गईं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए और आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तोको करती है और आज ऐसे फैसलों से जहाँ पर तरफदारी की बू आती है, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ, और वो लाडला जिसको 4 साल इक्तदार में बिठा कर धांधली के ज़रिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक से जो ताल्लुकात थे उनको तबाह बर्बाद किया गया और हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को बुरी तरह उनको मजरूह किया गया और हमने 16 महीने में शबाना रोज़ मेहनत करके हमने उन ताल्लुकात को ठीक किया, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। और दिवालिया का मतलब आप अच्छी तरह समझ लें, दिवालिया का खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो बैंकों के ऊपर जो खातेदार हैं वो चढ़ दौड़ते और लाखों लोग बेरोज़गार होकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते, मरीज़ों के लिए अद्वियात ना मिलती और पेट्रोल के स्टेशन पर लंबी कतारें होती, पेट्रोल ना मिलता, डीजल ना मिलता और पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो सनते हैं उनका खाम माल इम्पोर्ट ना कर पाते, जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो हैं बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करने के लिए वो ना खुल पाते, हमारे बैंकों की बाहर कोई सुनवाई ना होती और आलमी इदारे पाकिस्तान का फाइनेंशियल बायकॉट कर जाते। ये मुख्तसर एक इंतहाई खौफनाक सूरत थी, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाता तो अल्लाह ताला के फजल करम से उस वक़्त हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट उसने मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क की एक हकीर खिदमत है। और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो मेरे कब्र पे भी लोग आकर वहाँ पर कतबे लगाते कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया किया था। अल्लाह ताला ने मेरी और कोलिशन हुकूमत की इज्जत बचाई और पाकिस्तान की इज्जत बचाई, रियासत बच गई और सियासत इंशाल्लाह वो भी बच जाएगी। हमें परवाह नहीं थी, सियासत अगर तबाह होती तो होती, रियासत को बचाना हमारा फ़र्ज अवली था, हमारा पाकिस्तानी के तौर पर हमारा फ़र्ज था और हमारी ये जिम्मेदारी थी। रब ताला ने करोड़ों अवाम की दुआओं से ये हमारी ये दुआ सुनी और हम बच गए और आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लाडला लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालतें
उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम, वेलकम कहा था, गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग यू गुड लक। देखिए जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलव्वस हो और पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर्स में और को कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए और वो फौज पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिन रात वो अपने मुल्क के करोड़ों आवाम को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए वो रातों को सरहदों पर पहरा देते हैं, जान हथेली पर रख कर वो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं और दिन रात वो जामे शहादत नोश करते हैं और करोड़ों बच्चों की हिफाजत करते हैं जो रात को अमन की नींद सोते हैं, मगर ख़ुद उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं क्योंकि उनके वालिद सपूत वो दुश्मन से लड़कर वो शहादत का दर्जा हासिल करते हैं। उनके खिलाफ 9 मई को जो बदतरीन जो गद्दारी की गई, क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है, उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इसके ऊपर दिल जमी के साथ और यकसुई के साथ हमें इंसाफ के बोलबाले के लिए बात करनी चाहिए। अगर एक कौमी मसला हो और एक सूबे की अदालत उस कौमी मसले का फैसला करे तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे लीगल ईगल्स हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनका काम है कि इस मामले को, इस इशू को उठाएं ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इंसाफ की बुनियादों पर वो ज़हूर पज़ीर हो और पाकिस्तान इलेक्शन के नतीजे में एक पार्लियामान जो है वो मार्ज़ वजूद में आए, हुकूमत कायम हो आवाम के वोटों से, वही आइंदा आने वाले जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला कर सकती है एक मुंतखब हुकूमत। उसके लिए हमें सबको आगे बढ़ना होगा, ना कि इसमें नित नए रखने डाले जाएं, नित नए मसाइल पैदा किए जाएं। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही के ज़रिए पाकिस्तान के आवाम के मसाइल का हल मौजूद है, इसके अलावा और कोई निज़ाम पाकिस्तान के आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन किया और इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ता रहेगा और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।